दोस्तों पैनासोनिक ने इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं दो नए DSLM कैमरास, जिसमें से पहला है ल्यूमिक्स G7 और दूसरा है ल्यूमिक्स G85। दोस्तों यहां पे दोनों ही कैमरा में आपको ड्यूल ऑटो फोकस मिलती है, 4K की रिकॉर्डिंग और शूटिंग सपोर्टेड है, और इन सब के साथ साथ ड्यूल इमेज स्टेबलाइजेशन की भी फीचर मिलती है इसमें। तो दोस्तों दोनों में से सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ ल्यूमिक्स G7 के बारे में। तो दोस्तों इस कैमरा में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का CMOS का सेंसर, जो मैक्सिमम सपोर्ट सेंसिटिविटी है ISO की वो है 25600 की। इसके साथ साथ यहाँ पे यूज किया गया है वेनिस इंजन को, जो कि एक क्वाड कोर CPU है, जो कि इमेज प्रोसेसिंग की हाई स्पीड को सपोर्ट करता है, जिसकी मदद से हमें 8 FPS AFS / 6 FPS AFC की सपोर्ट मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है एक 3 इंच का 4K डिस्प्ले, और जो मैक्सिमम पिक्सल्स 4K की सपोर्टेड है रिकॉर्डिंग के लिए वो है 3840x2160 की पिक्सल काउंट। इसके साथ साथ आप यहाँ पे 30 FPS की स्पीड की इमेज को भी कैप्चर कर सकते हैं और 8 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन पे उसे ला सकते हैं। इन सब के साथ साथ आपको इसमें मिलता है ड्राइव डायल का भी ऑप्शन, जो कि आपको डायरेक्टली 4K मोड में ट्रांसफर कर देता है। इसमें आपको बहुत सारे 22 तरीके के फिल्टर्स मिल जाते हैं, और स्लो मोशन और टाइम लैप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, और इन सब के साथ साथ वाईफाई कनेक्टिविटी भी मिलती है, और एक 3.5mm माइक्रोफोन जैक का भी सपोर्ट मिलता है। जो प्राइस रखी गई है ल्यूमिक्स G7 की वो रखी गई है 53,990 रुपीज इंडिया में, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा है। आपका क्या कहना है इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब बढ़ते हैं ल्यूमिक्स G85 की ओर। दोस्तों सबसे पहली जो इसकी खासियत है वो ये है कि इस कैमरा की बिल्ड जो है वो बहुत ही अच्छी है, ये डस्ट और स्प्लैश प्रूफ है बिल्कुल भी, और यहाँ पे भी यूज किया गया है 16 मेगापिक्सल का MOS का सेंसर। ठीक G7 की तरह भी आपको यहाँ पे मिल जाता है एक मैक्सिमम सपोर्ट, जो ISO सेंसिटिविटी की मैक्सिमम सपोर्ट जो की है 25600। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है 4K रिकॉर्डिंग और 4K कैप्चर दोनों का सपोर्ट। इन सब के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है एक 5x ड्यूल इमेज स्टेबलाइजर, जो कि क्लेम की जा रही है कि जो इनेबल कर देता है रोबो बस्ट एंड ब्लरिंग सप्रेशन को। दोस्तों इन सब के साथ साथ आपको मिलता है एक फोकस इंटीग्रेटेड स्टैकिंग का फीचर, जो कि आपके कैमरा की फोकस को और अच्छा बना देता है, और डेप्थ ऑफ फील्ड की जो इमेज आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। दोस्तों ये जो फोकस स्टैकिंग फीचर है ये मेनली आपके डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कुछ और मोड्स और फीचर्स, जिससे कि आप 4K शूटिंग या 4K फोटो मोड के वक्त अपनी लाइटिंग को इनहांस कर सकें और पिक्चर को और भी बेटर बना सकें। दोस्तों अगर मैं इस कैमरे की प्राइसिंग की बात करता हूँ तो वो कुछ ज्यादा महंगी है। दोस्तों जो स्टार्टिंग प्राइस इस कैमरे की है वो है 72,990 रुपीज, जो कि ऑलमोस्ट 73,000 है। अब शायद ये DSLM कैमरा है इसीलिए शायद ये थोड़ा ज्यादा महंगा है। ऐसे पैनासोनिक का कहना है कि वो ये कैमरा उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि 4K चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जितने भी नए फोटोग्राफर्स हैं या फिर जितने भी एंथुसियास्ट हैं। तो देखते हैं ये चीज मार्केट में कैसा करती है, और आप जरूर बताइएगा कि आपको ये दोनों कैमरास कैसे लगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।